नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लड सीरीज चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेके आऊं आपके लिए एक और नया टॉपिक, अगेन फ्रॉम द फ्लूइड मैकेनिक्स, अगेन फ्रॉम द वाटर हैमर इन पाइपलाइंस में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने तीन पार्ट पढ़ने हैं। यानी कि जो आज का टॉपिक अगर आप देख रहे हैं कि वॉल लगा हुआ है आपकी पाइपलाइन में और टैंक आप देख रहे हैं साफ साफ, और ये वॉल कहाँ लगा हुआ है आपकी पाइपलाइन में, और ये पाइपलाइन एक एंड से कनेक्टेड है और फ्लूइड बाहर निकल रहा है, और अचानक से धीरे से जाके हमने क्या करना है, वॉल को धीरे से बंद कर देना है। तो ये था हमारा पहला टाइप, ठीक है। और भी दूसरे टाइप है कि अगर सडनली इस वॉल को क्लोज कर दिया जाए मगर यहां पर जो पाइपलाइन है वो आपकी रिजिड है, और एक तीसरा टाइप कि अगर हम सडनली बंद करते हैं मगर पाइपलाइन हमारी इलास्टिक है यानी कि प्लास्टिक की हो सकती है, ठीक है। तो क्या होगा, तो आज हम उसी के बारे में देखने वाले हैं, प्रेशर क्या होगा, हेड क्या होगा और टाइम कितना लिया हमने, तो ऐसा ही कुछ देखने वाले हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज, ये आपसे बहुत बड़ी ऐसी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेकर आता रहूं। चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे आगे। तो दैट इज अवर कॉन्सेप्ट इज ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ पाइपलाइन बाय वॉल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये टैंक है, जैसे कि मैंने बनाया है, ये टैंक एक साइड से एक पाइप में कनेक्टेड है, पाइप से कनेक्टेड है, दूसरा एंड फ्री है, ठीक है। फिलहाल तो मैंने वॉल क्लोज किया हुआ रेड कलर से बताया, ओके। वॉल से लेकर जहां तक आपका पाइप कनेक्टेड है टैंक से, उसकी जो लंबाई है दैट इज एल, ओके। इसका डायमीटर जो है आप देख रहे हैं डी है, और इसमें से फ्लूइड बहना स्टार्ट हो गया है, यानी कि फ्लूइड मान क्या लीजिए अभी पानी है, क्योंकि वाटर हैमर का ही कॉन्सेप्ट है, तो इसमें जो फ्लूइड है दैट इज योर वाटर, और इसकी जो हाइट है पाइपलाइन की जो सेंट्रल लाइन है, यानी कि आप देख रहे हैं ब्लू कलर से मैंने डॉटेड लाइन के हिसाब से बनाई हुई है पाइपलाइन की सेंट्रल लाइन, तो पानी की सतह तक जो पाइपलाइन की सेंट्रल लाइन तक का जो डिस्टेंस है दैट इज योर हेड, यानी कि पानी की हाइट बोल सकते हैं या फिर हेड बोल सकते हैं। हेड कहां पर है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पर मैं आपको ये ब्लैक कलर के डॉट लगा रहा हूं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सपोज यहां पर पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट पे जो हेड होगा दैट इज योर एच, एंड एच कैन बी रिटन एज प्रेशर हेड दैट इज योर पी बाय रो जी, ठीक। अब मान लेते हैं कि ये जो वॉल है खुल गया है, क्या है खुल गया, तो उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी जिसके साथ ये बह रहा है, दैट इज योर वी, इनिशियल वेलोसिटी इज वी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कुछ टर्म्स हैं, दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी, ओके। फाइनल वेलोसिटी तो हम बात करेंगे फाइनल वेलोसिटी के बारे में, ओके। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो है क्या है, वी है, और उस टाइम पे फ्लो रेट क्या है आपका, क्यू है। और मैंने पिछले टाइम बताया था कि वाटर हैमर क्या है, वाटर हैमर किस तरह से पाइपलाइन को इफेक्ट कर सकता है, बर्स्ट कर सकता है, तो जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं वो सारी चीजें कंसिडरेशन करके ही पाइपलाइन का डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो इस बार हम देखने वाले हैं कि अगर हमने वॉल को, ठीक है, फिलहाल तो मैंने वॉल खोल दिया जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वॉल को धीरे धीरे बंद करेंगे, और यहां पे वॉल कौन सा लगा, बॉल वॉल कौन सा लगा, बॉल वॉल। तो जैसे ही हम बंद करते हैं और वो भी धीरे धीरे बंद करेंगे, तो एक यहां पे लिख लेता हूं दिस इज अवर वॉल, कौन सा वॉल है ये, ज्यादातर तो हम बॉल वॉल ही यूज करेंगे, क्योंकि बॉल वॉल अगर यूज करेंगे तो कॉन्सेप्ट में दम आ जाता है, ठीक है। तो टी इज नथिंग बट टाइम टेकन टू वॉट, टू स्टॉप द वॉल, कितना टाइम लिया गया है वॉल को बंद करने के लिए। मगर याद रखिएगा हमें यहां पर वॉल धीरे धीरे ही बंद करना है, क्योंकि यहीं पर है, इसी वजह से दिया हुआ है कि धीरे धीरे बंद किया गया वॉल पाइपलाइन में जो लगा हुआ है, ओके। तो सडनली अगर आप धीरे धीरे बंद करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, फ्लो रेट क्या हो जाएगा आपका, बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्लियर हो गया। तो मैं यहां पर वॉल बंद कर देता हूं जो कलर से मैंने लगाया था, तो फिलहाल मैंने यहां पर वॉल बंद कर दिया है, तो आप साफ साफ देख रहे हैं यहां पर अभी कोई फ्लूइड नहीं बहेगा, दैट मीन्स द वेलोसिटी इज जीरो, ओके। तो अब क्या होगा, बंद करने की वजह से पीछे प्रेशर वेव्स ट्रैवल करती हैं अलोंग द लेंथ एल, जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको, अलोंग द लेंथ प्रेशर वेव्स ट्रैवल करती हैं, ओके, अलोंग द लेंथ प्रेशर वेव्स ट्रैवल करती हैं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ओके। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, अलोंग द वेव्स प्रेशर वेव्स ट्रैवल करती हैं, ठीक है। तो ये प्रेशर वेव्स कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन में, देखिए मैंने पिछली बार बताया था कि कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन ले लीजिए, यहां पे आप प्रेशर गॉज लगा दीजिए, तो वो प्रेशर इतना हाई होगा, लगभग 20 टाइम्स हायर होगा जो भी आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर अगर आप प्रेशर गॉज लगा दिया होता तो ये जो प्रेशर मेजर करेगा, ठीक है, ये मेजरेबल प्रेशर होता है,
आप देख रहे हैं प्रेशर ये मेजरेबल होता है, यहां पे अगर आप प्रेशर गॉज लगा देते हैं तो ये लगभग 20 टाइम्स हायर होगा आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर 1 बार 101.325 किलो पास्कल, ठीक है। ओके तो अब तो प्रेशर वेव्स ट्रैवल कर रही है, कहने का मतलब है कि यहां पे प्रेशर बहुत हाई होगा, यही होता है वाटर हैमर का कंसेप्ट। ये जो लंबाई है इस लंबाई में पाइपलाइन में कहीं पे भी आप अगर प्रेशर मेजर करेंगे तो प्रेशर विल बी ह्यूज ह्यूज। ओके तो अब हम देखने वाले हैं कि इस वॉल ने कितनी फोर्स लगाई फ्लूइड को रोकने के लिए, मींस व्हाट वाज द रिटार्डिंग फोर्स। द रिटार्डिंग फोर्स देन द रिटार्डिंग फोर्स विल बी, ये कौन सी फोर्स है, ये फोर्स लगाई गई है आपके वॉल द्वारा जब वॉल को धीरे धीरे बंद कर दिया गया है, तो दैट इज योर रिटार्डिंग फोर्स। तो फोर्स इज नथिंग बट योर मास इनटू एक्सेलरेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारी रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे छोटा सा लिख दूं, दैट दिस इज योर रिटार्डिंग फोर्स, देयरफॉर ओके अब ये मास क्या है, दिस इज नथिंग बट द मास ऑफ द फ्लूइड। ये मास ऑफ द फ्लूइड कौन सा है, ये आपका यहां से लेकर इस पाइपलाइन से लेकर इस पाइपलाइन तक का आपका मास है। मतलब जैसे ही आप बंद करते हैं पानी को, मींस फ्लूइड को वॉल का यूज करके, वो भी वॉल, तो इस पाइपलाइन में जितना भी फ्लूइड होगा उसका मास कितना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे मास। मास का यूनिट होता है अगर आप देखेंगे केजी, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके तो अगर मास को इंट्रोड्यूस करना है तो मैं रो से इंट्रोड्यूस करूंगा, रो इज नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। अगर आप इसकी यूनिट देखेंगे दिस इज केजी पर मीटर क्यूब। ओके अब देखिए रो को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया मगर यूनिट देखें केजी पर मीटर क्यूब, कहने का मतलब है हमें तो सिर्फ केजी चाहिए था क्योंकि मास का मतलब केजी होता है, तो ये मीटर क्यूब को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं किससे वापस मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट मीन्स अब मैं कैंसिल कर सकता हूं, तो मीटर क्यूब गेट कैंसिल, तो यहां पर आ जाएगा सिर्फ केजी। तो कहने का मतलब है मुझे अगर मैंने मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई किया, यूनिट में देखिए कि अगर मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो दैट मींस मीटर क्यूब किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की यूनिट है, तो यहां पर मुझे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम क्या है हमारा, दिस इज योर एरिया इन टू लेंथ। आई होप आपको समझ में आ गया, एरिया इज वॉट, यहां पर मैंने लिखा नहीं है, दैट एरिया इज नथिंग बट योर क्रॉस सेक्शन एरिया। अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा होता है, सपोज ये हमारा पाइपलाइन है, ठीक है, तो दिस इज अवर क्रॉस सेक्शन एरिया जिसके थ्रू फ्लूइड गुजरता है, दिस इज अवर क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया को लंबाई से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो दिस इज ए इनटू एल इज योर वॉल्यूम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो दिस इज अवर वॉल्यूम। तो देखिए रो, फिर इसने यूनिट में बताया कि हमें मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स एरिया इंटू एल, मीटर स्क्वायर इंटू एल इज योर मीटर क्यूब, तो यहां पर आ गया दैट इज योर वॉल्यूम। अब बारी आती है एक्सेलरेशन की, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, क्लियर है, दिस इज टाइम टेकन। तो वेलोसिटी में क्या चेंज आया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपकी v, जिससे ये फ्लूइड ट्रैवल कर रहा था जब आपका वॉल बंद नहीं किया गया था। ओके फाइनली जैसे ही वॉल बंद कर दिया गया फाइनल वेलोसिटी हो गई जीरो, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, दिस इज योर v माइनस जीरो, क्लियर हो गया। और ये जो वॉल बंद करने के लिए जितना समय लिया गया दैट इज योर टाइम t, मैंने यहां पर लिखा है टाइम टेकन टू स्टॉप द वॉल, तो दिस इज योर टाइम t। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सो देयरफॉर वी कैन राइट v अपॉन t। तो यहां पर एक्सेलरेशन की जगह हम क्या लिखेंगे, v अपॉन t। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, देखिए मीटर पर सेकेंड, ओके, और टाइम की यूनिट तो ऑलरेडी नीचे ही है तो सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया यहां पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो जैसे के जी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर हो गया। तो मैं यहां पर ये रिटार्डिंग फोर्स लिख लेता हूं जो अप्लाई की जानी है वॉल द्वारा आपने, यानी कि फ्लूइड को रोकने के लिए जितनी फोर्स लगती है रोकने के लिए, दैट इज योर रो इंटू ए इंटू एल अपॉन मीन्स इंटू वी अपॉन टी, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहां पे लिख देता रो एल इंटू वी इंटू मीन्स वी बाय टी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे ही आपने ये रिटार्डिंग फोर्स लगाई, ठीक है, तो एक प्रेशर वेव पैदा होगी यहां पर, प्रोड्यूस होगी जो पूरी लेंथ के दौरान ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो ये जो रिटार्डिंग फोर्स है ये कन्वर्ट हो जाती है आपकी प्रेशर में, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, प्रेशर में। अगर थोड़ा और डीपली बात करेंगे तो ये रिटार्डिंग फोर्स आपकी प्रेशर वेव में कन्वर्ट हो जाती है। प्रेशर वेव मतलब प्रेशर बिल्ट अप हो जाता है इस लेंथ एल में। तो वो प्रेशर कितना होगा, मान लीजिए वो इस पर्टिकुलर सेक्शन में प्रेशर पी होगा, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वो प्रेशर पी होगा, अब इसकी यूनिट देखेंगे, ठीक है,
तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि जितना रिटार्डिंग फोर्स आपने अप्लाई किया, ठीक है, रोकने के लिए फ्लूइड को, वो कन्वर्ट हो जाता है प्रेशर फोर्स में। तो आपको मालूम है प्रेशर इज नथिंग बट योर फोर्स अपॉन एरिया, तो आपको क्या निकालना है। तो मेरा सिर्फ इतना ही मतलब था, मैं एक बार वापस रिपीट करूंगा कि रिटार्डिंग फोर्स कन्वर्ट हो जाती है प्रेशर फोर्स में, तो यानी कि बोथ ऑफ देम आर इक्वल, रिटार्डिंग फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर फोर्स। तो अगर आप प्रेशर देखेंगे जो यहां पर बिल्टअप हुआ है इस पाइपलाइन के अंदर, दैट इज पी इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो अगर हमें प्रेशर फोर्स चाहिए तो मैं इसको डिनोट करूंगा एफ पी से। सो ये एरिया यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा पी इंटू ए। सो वॉट इज अवर प्रेशर फोर्स, पी, ये प्रेशर यहां पर पैदा हुआ है, दैट इज पी। एरिया, एरिया इज नथिंग बट योर क्रॉस सेक्शन एरिया। मैं जब वापस बोल चुका हूं, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन एरिया। जो सर्कल होता है वो सर्कल रिप्रेजेंट करता है क्रॉस सेक्शन एरिया। याद रखिएगा, ये जो एरिया है दिस इज योर कर्व सरफेस एरिया, वो ये वो एरिया नहीं लेना हमें, ठीक है। सो दिस इज योर दिस, तो फ्रॉम दिस इज योर, मान लेते सेकेंड, और ये आ जाता है हमारा फर्स्ट। अब आपको मालूम है कि आपका यही रिटार्डिंग फोर्स की वजह से प्रेशर फोर्स पैदा हुआ था, तो बोथ ऑफ देम आर इक्वल। सो इक्वल होने की वजह से फ्रॉम वन एंड टू हम लिख सकते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, ओके। तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट पी इंटू ए इक्वल टू, यानी कि दोनों इक्वल है, एफ आर इक्वल टू, यहां पे लिख देता हूं एफ आर, यानी कि रिटार्डिंग फोर्स इक्वल टू प्रेशर फोर्स। तो पी इंटू ए रिटार्डिंग फोर्स में यहां लिखूंगा, जो अब बेटर है कि मैं एफ पी पहले लिखूं, ठीक है। एफ पी इक्वल टू एफ आर, सो एफ पी इज नथिंग बट पी इंटू ए, एफ आर इज नथिंग बट रो इंटू ए इंटू एल इंटू वी अपॉन टी। सो ए ए गेट कैंसल, क्लियर हो गया, ओके। अब आपको मालूम है हमारे पास क्या रह गया है, पी इक्वल टू रो एल वी बाय टी, क्लियर हो गया, ओके। अब एक चीज गौर कीजिएगा, दिस इज नथिंग बट अ प्रेशर, ठीक है, ओके। अब ये जो पी है, अगर हम इसको रो जी से डिवाइड कर दें, क्या कर दें, रो जी से डिवाइड कर दें, तो अगर हमने रो जी से यहां डिवाइड किया है, तो यहां पर भी हम रो जी से डिवाइड कर सकते हैं, दिस इज रो जी, क्लियर हो गया। सो रो रो गेट कैंसल, तो हमारे पास क्या रहेगा, पी बाय रो जी क्या होता है, हेड, हेड इज नथिंग बट दिस, यही वो एच है, पी बाय रो जी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर जो हेड होगा वही बोल सकते हैं यहां पर, ठीक है, उस पर्टिकुलर सेक्शन पे, ओके। सो देयरफॉर एच इक्वल टू दिस इज योर एल वी बाय जी टी, वेयर वी इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी, टी जो टाइम लिया गया वॉल को बंद करने में, एल लंबाई जिस दौरान आपका प्रेशर प्रोड्यूस हुआ है, प्रेशर वेव्स ट्रैवल करती थी लंबाई में, जी इज योर 9.81 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एच इज नथिंग बट द प्रेशर हेड जो यहां पर इस पी पॉइंट पे है। एक्चुअली ये पी प्रेशर है, एक काम करता हूं इसको नाम दे देता हूं एस, नाम दे देता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं, एस पॉइंट पे जो हेड है, यानी कि पानी की हाइट कितनी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इसमें दो पॉइंट निकल के आते हैं, इफ आप जो टाइमिंग इससे कैलकुलेट करोगे, सपोज अगर टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कितना टाइम लगा हमारे को बंद होने में, एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, सपोज अब आप देख रहे हैं, ठीक है, टी, अगर मैं टी की वैल्यू, सपोज आपने ये वॉल्व बंद धीरे धीरे नहीं किया, सडनली कर दिया, मतलब टाइम जीरो ले लिया आपने, तो क्या होगा, एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो, ये अगर जीरो हो गया, सपोज ये जीरो हो गया, तो एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इन्फिनिटी, यानी कि प्रेशर इन्फिनिटी हो जाएगा। मगर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, आप कुछ तो टाइम लोगे ही आपका वॉल बंद करने के लिए, तो प्रेशर कभी भी इन्फिनाइट नहीं होता, वो फाइनाइट होता है, उसे मेजर किया जा सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, मतलब कहां लगती है ये, इन अगर जब फ्लूइड आपका इनकॉम्प्रेसिबल हो, ठीक है, और पाइप आपकी रिजिड हो, मगर असल में अगर हम देखते हैं तो फ्लूइड हमारा कुछ हद तक कॉम्प्रेसिबल है, ओके, और पाइप भी हमारी थोड़ी बहुत इलास्टिक रहती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। तो अगर आप इससे टाइमिंग निकालते हैं कि कितना टाइम लगा इस वॉल को बंद करने में, तो ये कुछ ऐसा ही होगा, एल बाय जी एच, ओके। तो टाइमिंग इससे निकाला, इफ इट इज ग्रेटर देन योर टू एल बाय सी, वेयर सी इज नथिंग बट योर वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव, किसकी है, वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव, ठीक है, मैं ये बोल रहा था, अगर टाइमिंग ज्यादा आया 2 इंटू एल बाय सी, सी इज नथिंग वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव, एल इज नथिंग बट लंबाई, मीन्स दैट इज द लेंथ, तो दैट मीन्स यहां पे जो क्लोज हो रहा है, दिस इज योर व्हाट, ग्रेजुअली क्लोजिंग, लेट मी चेक, क्या, तो अगर टी ज्यादा आता है 2, टी इज ग्रेटर देन 2 इंटू एल बाय सी, तो दैट मीन्स जो आपका वॉल हो रहा है इज क्लोजिंग ग्रेजुअली, क्लोजिंग
ग्रेजुअली, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. वही चीज इफ सेकेंड कंडीशन, इफ टी इज लेस देन योर 2L बाई सी, जहां पे सी वेलोसिटी है प्रेशर वेव की, दैट मीन्स वी कैन राइट हमारा जो वॉल है वो सडनली क्लोज हुआ है, उसको बहुत कम टाइम लगा है क्लोज होने में. द वॉल इज सडनली क्लोजिंग. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. इसका जो सेकेंड पार्ट है, यानी कि जब वॉल को सडनली क्लोज किया गया मगर उस टाइम पे पाइपलाइन आपकी रिजिड है, और एक तीसरा पार्ट की वॉल को सडनली क्लोज किया गया मगर पाइपलाइन इज इलास्टिक. मैं आऊंगा नेक्स्ट पार्ट लेके, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद.